So last time, what is it that we had discussed? Arrays, doing iterations around arrays, and I had given a two-dimensional array example, and we had seen that while addition subtraction could be straightforward, multiplication required three nested iterations. आज हम लोग matrices का two-dimensional matrix देखे थे हम लोग. Arrays हमने पहले consider किया था. वो arrays में हम लोग character strings कैसे represent करते हैं वो देखेंगे. Character string मालूम है क्या होता है? Char type मालूम है variable? Int और float नाम के variable तो आपने देखे हैं. ये char type variable क्या होता है? इसको ऐसे असाइन किए जाती वैल्यू. ये x नाम का जो वेरिएबल है उसमें एक लोकेशन रहेगा, इसकी लेंथ जो है वो एक बाइट रहेगी खाली. एक बाइट यानी कितने बिट्स हुए? आठ. आठ बिट में कितनी वैल्यूज रहती हैं मैक्सिमम? जीरो टू आठ बिट हैं. आठ बिट का मतलब हुआ टू टू द पावर एट माइनस वन इज द लार्जेस्ट वैल्यू. 256 टोटल वैल्यूज, स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी जीरो, लार्जेस्ट वैल्यू विल बी 250. इतनी वैल्यूज एक बाइट में आ सकती. नॉर्मली हम लोग इंटीजर बोलते हैं दो बाइट या चार बाइट का, उसमें एक बिट साइन के लिए चली जाती है. फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं उसमें मैंटीसा अलग रहता है, एक्सपोनेंट अलग रहता है. लेकिन कैल टाइप का जो वेरिएबल है वो पूरी की पूरी आठ बिट उसको सिंबल कोई रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो 256 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये सिंबल के रिप्रेजेंटेशन का क्या तरीका है? कौन सा कोड यूज करते हैं सिंबल्स रिप्रेजेंट करने को इंटरनली मालूम? ASCII कोड. ASCII बहुत पुराना स्टैंडर्ड है. उसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. यानी आपने कैपिटल ए लिखा, बी लिखा, जेड लिखा, सिंबल 1, 2, 3, 4 डिजिट्स लिखे, लेस देन साइन लिखा, ग्रेटर देन साइन लिखा, ये सब सिंबल हुए ना. हर सिंबल की एक वैल्यू है अंदर, उस वैल्यू को बोलते हैं उसका ASCII कोड. तो आप लोग कंप्यूटर में बैठ के जब टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तो आपने जैसे टाइप किया इक्वल टू सिंबल, अब वो कीबोर्ड से जो जाता है अंदर वो इक्वल टू सिंबल ऐसा इक्वल टू करके नहीं जाएगा. क्या जाएगा? कोई वैल्यू जाएगी उसकी. कौन सी वैल्यू जाएगी? उसका जो ASCII कोड है उसकी वैल्यू जाएगी. किसी भी प्रोग्रामिंग की किताब में आपको एक ASCII कोड टेबल मिलेगा और उस कोड टेबल में सब वैल्यूज लिखी हुई हैं. जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कैर ब्लैंक एक्स, अब इसमें आप टाइप करेंगे, जी एडिट में जाके प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में क्या लिखा होगा एक लाइन में? CHAR ब्लैंक एक्स सेमीकोलन और एंटर. इतने सारे सिंबल्स लाइन में आ गए. वो सबके सब सिंबल्स आपके कीबोर्ड से कहीं तो भी गए, फिर वहाँ जाके एडिटर प्रोग्राम में गए, वो आपने देखे यहाँ पे. लेकिन वो जाने आने का जो आवागमन है इन शब्द इन सिंबल्स का वो कैसे होता है? वो ASCII कोड के थ्रू. तो जब भी आप कीबोर्ड पे कुछ भी एक कैरेक्टर टाइप करते हैं तो उसका सिंबल की वैल्यू जाती है अंदर और अंदर जाके कहीं तो भी स्टोर हो जाती है. हमारे प्रोग्राम में हम ऐसी वैल्यूज कैसे स्टोर करें इसके लिए ये कैर टाइप बनाया गया. अब चूंकि एक बाइट में रहता है एक कैरेक्टर, तो उसकी 256 डिफरेंट सिंबल्स हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नॉर्मली हम लोग कौन से सिंबल्स यूज करते हैं बताइए? लेटर्स हुए ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक. कैपिटल लेटर्स हुए ए बी सी जेड तक. डिजिट्स हुए 0, 1, 2, कितने डिजिट्स हैं? 9 तक. ये सब सिंबल हैं, हम लोग ग्राफिकली लिखते हैं कागज पे 9. तो जब 9 का बटन आप दबाते हैं तो 9 वैल्यू नहीं जाती अंदर. 5 दबाते तो 5 नहीं जाता है अंदर.
जेड दबाते हैं तो जेड कैरेक्टर नहीं जाता है, वो जाते क्या है, एस्की वैल्यू। अब ये जीरो की एस्की वैल्यू होती है, ये मैं यहां लिख रहा हूं एस्की कोड्स, फोर्टी एट, वन की होती है 49, टू की होती है 50, एटसेट्रा। ये एस्की वैल्यू है, यानी अगर आपने कैर एक्स बोला और यहाँ पे मान लीजिए आपने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स के अंदर क्या जाएगी वैल्यू, जीरो नहीं जाएगी, वो वैल्यू जाएगी उसका एस्की कोड यानी 48, ये 48 वैल्यू जाएगी। आप अपने प्रोग्राम में कहीं लिखेंगे इफ, जैसे कैर एक्स कॉमा वाई बोला, कुछ तो भी इसका क्या मतलब हुआ, सी इन कुछ बोलते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, सी इन वाई बोलेंगे तो वाई की वैल्यू आएगी, जो भी आप कैरेक्टर टाइप करोगे वो अंदर जाएगा। ओके, मान लीजिए आपने कोई कैरेक्टर टाइप किया और उसको आपको अंदर जाके चेक करना है कि भी जो कैरेक्टर टाइप किया वो क्या था, क्या वो 5 था, क्या वो 6 था, तो आप कैसा इफ स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ वाई इक्वल इक्वल 5, यानी ये 5 सिंबल हुआ, सिंगल कोट में डाला, इसलिए नंबर 5 नहीं हुआ। तो अंदर जाके ये क्या चेक करेगा कि वाई में जो भी लिखे हैं बाइट उसकी वैल्यू एस्की कोड है क्या 5 का, वो है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कैरेक्टर के साथ जब भी हम खिलवाड़ करते हैं तो कैरेक्टर के एस्की कोड उसका मतलब है, और 256 एस्की कोड है। आप कितने सिंबल देखते हैं कीबोर्ड पे, पूरे 256 तो नहीं दिखते, यानी कई एस्की कोड ऐसे हैं जिनका सिंबल अपने को दिखेगा नहीं। ये ब्लैंक लिखा आपने यहाँ पर, आपने टाइप तो किया ब्लैंक, क्या वो जो लंबा बार है उसको टाइप कर देते हैं, क्या वैल्यू जाएगी अंदर, 32, ब्लैंक का कोड होता है। उसी तरह से क्वेश्चन मार्क इक्वल टू सिंबल स्लैश एक्सक्लेमेशन मार्क लेस देन ग्रेटर देन, हर सिंबल की कोई तो भी वैल्यू, तो आप वो सिंबल को अगर आप रीड कर पाए अंदर तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये सिंबल है, क्या ये वो सिंबल है, क्या ये वो सिंबल है, ऐसा। तो ये इस तरह से बेसिक कैरेक्टर हैंडलिंग ऐसे होता है। अब सी इन जो स्टेटमेंट है वो सी इन स्टेटमेंट में एक खामी है, सी इन स्टेटमेंट अलग अलग कैरेक्टर को तो पढ़ लेगा, लेकिन मान लीजिए आपने ब्लैंक टाइप किया तो ब्लैंक को नहीं पढ़ेगा। सी इन हम लोग किस लिए यूज करते हैं नॉर्मली, ये देखिए, अगर हमने बोला इंट P फ्लोट Q और बाद में लिखा सी इन ग्रेटर ग्रेटर P ग्रेटर ग्रेटर Q, इसका क्या मतलब हुआ, कोई दो वैल्यूज देगा, एक वैल्यू इंटीजर होगी एक वैल्यू रियल होगी। आप टाइप कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको वैल्यू देना है P के लिए 15 और Q के लिए 27.8, तो आप टाइप करेंगे 15, फिर ब्लैंक छोड़ेंगे कुछ, फिर 27.8 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना आप इनपुट पे वैल्यू। तो सी इन क्या करता है, वो ये कैरेक्टर पढ़ता है, जब भी ब्लैंक आ गई तो बोलता है एक वैल्यू खत्म हो गई, तो जितनी नॉन ब्लैंक कैरेक्टर है वो पढ़ेगा, और ये 15 1 और 5 का कोड जाएगा अंदर, उसको वो कन्वर्ट करेगा 15 वैल्यू में और फिर उसको असाइन कर देगा पी को। उसी तरह ये पढ़ेगा 27.8, क्योंकि इसके पहले ब्लैंक है, इसके बाद में ब्लैंक या एंटर, तो ब्लैंक और एंटर के बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी उसको वो इकट्ठा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई कैरेक्टर इनपुट करना है तो अगर हम इसके यहाँ पे जेड टाइप करें तो जेड चला जाएगा, इसके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करें तो क्वेश्चन मार्क चला जाएगा, लेकिन इसके यहाँ पे अगर ब्लैंक टाइप करें तो ब्लैंक नहीं जाएगी अंदर। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सी इन जो कमांड है वो सारी ब्लैंक को भगा देती है, सी इन जो कमांड है वो एंटर सिंबल भी नहीं लेती। अब चूंकि हम कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए कि कोई भी कैरेक्टर हम टाइप करें उसे हम कैप्चर करके अंदर डाल सकें, ऐसी कोई कमांड चाहिए। सो सी इन विल नॉट वर्क बिकॉज सी इन इग्नोर्स
all blanks. Seen ignores enter character. We need some other function. There is a function in C which is pre-written. Library ka function hota hai. Wo function hota hai get char. ये फंक्शन फंक्शन पता है कैसे लिखते हैं अपन ने देखा था एक बार फंक्शन फंक्शन लिखना पढ़ा है अपन ने कहीं अच्छा फंक्शंस नहीं पढ़े हैं लेकिन ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन है जैसे एफ ऑफ एक्स लिखते हैं आप मैथ्स में तो एक्स की वैल्यू दी होगी तो मान लीजिए कहीं एफ ऑफ एक्स कहीं तो भी प्रोग्राम लिखा हुआ आप एफ ऑफ एक्स बोलेंगे तो वो प्रोग्राम जाएगा उधर एक्स को लेकर और उधर से एफ एक्स की वैल्यू लेके आएगा करीब करीब इसी तरह यह गेट कैर नाम का एक फंक्शन है सी प्लस तो जैसे सी इन आप लिखते हैं उसकी बजाय आप गेट कैर लिखेंगे ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट इसको कोई पैरामीटर नहीं होता अगर आपने ये कमांड कहीं भी प्रोग्राम में लिख दी गेट कैर तो तुरंत जो कंप्यूटर है वो आपके कीबोर्ड में जाएगा और आपसे जो भी कैरेक्टर आप टाइप करेंगे उसको ले लेगा और वो लेके आके इसकी वैल्यू देगा वो वैल्यू कहाँ जाएगी तो इसलिए इसको हमेशा ऐसे यूज कर एक्स इज इक्वल टू गेट कैर वेयर एक्स इज ए कैरेक्टर टाइप सो इफ यू राइट लाइक दैट You will capture a character. यहां पे भी हम लोग कैरेक्टर कैप्चर कर रहे थे यहां पे भी कर रहे हैं क्या फर्क है दोनों में फर्क यह है कि सी इन से अगर कैप्चर करते हैं तो ब्लैंक इग्नोर हो जाएगा एंटर इग्नोर हो जाएगा गेट कैर से अगर कैप्चर करते हैं कोई सा भी की दबाओ आप वो की कैप्चर होगा स्पेस दबाओगे स्पेस कैप्चर हो जाएगा एंटर दबाओगे एंटर कैप्चर हो जाएगा क्योंकि एंटर का भी ASCII कोड है हर चीज का ASCII कोड हर चीज का ASCII कोड अगर ये फंक्शन हमें दिया है तो हम ये प्रॉब्लम अब ऐसा लिखते हैं Read all characters from keyboard till X is type. ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है कीबोर्ड में कोई तो भी आप बोलेंगे आप कैरेक्टर टाइप करते जाओ जो भी कैरेक्टर टाइप करे 5, 10, 15, 50, 100 वो सब कैरेक्टर पढ़ते जाओ एक एक कर कब तक जब तक कोई बड़ा कैपिटल एक्स नहीं टाइप कर दे अगर उसने कैपिटल एक्स टाइप किया आपको रुक जाना है जब तक कैपिटल एक्स नहीं टाइप करता आपको पढ़ते जाना ठीक है ये प्रॉब्लम और आपने कैपिटल एक्स आने तक कितने कैरेक्टर पढ़े 25 पढ़े होंगे 50 पढ़े होंगे जितने भी पढ़े ये प्रोग्राम बोलता है कि हर कैरेक्टर जो आपने पढ़ा उसका ASCII वैल्यू प्रिंट करो बाकी और कुछ नहीं चाहिए हमें ASCII वैल्यू चाहिए उसकी कैरेक्टर तो हम टाइप कर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए सबसे पहले ये पता करते हैं कि कैरेक्टर के ASCII कोड तो इससे गेट कैर से आ जाएगा लेकिन उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करें ये तो एक्स कैरेक्टर टाइप हुआ तो इसके लिए एक सहूलियत जो C++ में है वो ऐसी है कि अगर हमने कहीं पे int q ऐसा मान लीजिए डिक्लेयर किया तो इस प्रोग्राम में अगर कोई कैरेक्टर वेरिएबल है y या x और कभी भी मैं q इक्वल टू y लिख देता हूं तो y जो कैरेक्टर है जिसके अंदर मान लीजिए 48 या ऐसी कोई वैल्यू है वो 48 वैल्यू न्यूमरिकली यहां असाइन हो जाएगी यानी वाई नंबर है तो वाई को वैल्यू क्या होगी सिंबल नहीं होगा उसकी जो ASCII कोड है वो असाइन हो जाए क्योंकि कंप्यूटर जो है ASCII कोड को एक नंबर की तरह ही ट्रीट करता है वो नंबर हो सकता है 0 to 255 के बीच में कोई भी नंबर तो कैरेक्टर वेरिएबल स्पेशल वेरिएबल एक तरफ तो वो सिंबल को रिप्रेजेंट करता है दूसरी तरफ चूंकि वो रिप्रेजेंट ASCII वैल्यू से करता है इट ऑल्सो हैज ए न्यूमरिकल वैल्यू
which is equal to the ASCII value. So now suppose you have to solve this problem, how will you solve it? You have to read characters, convert every character into ASCII code, and keep doing this again and again and again. Till what time? Till somebody types capital X. If character typed is capital S, ghar jao, chutti karo, to kaise solve karenge isko? Kariye, likhiye problem. Algorithm kaise banayenge iska? Iteratively padhna hai hame, padhte jana hai character ko. मान लीजिए पहले आपने एक कैरेक्टर पढ़ा, पहले डिक्लेरेशन देख लेते हैं, क्या क्या डिक्लेरेशन होंगे. एक कैर टाइप वेरिएबल लगना चाहिए अपने को, उसको बोल देते हैं एक्स मान लीजिए. फिर एक इंटीजर टाइप वेरिएबल होगा, चाहे वैल्यू वी, ये वी को बोलेंगे टू कीप ASCII वैल्यू. नंबर वी नंबर है, तो x तो हम पढ़ेंगे और x की वैल्यू v को असाइन कर देंगे. अब ये सिंपल है, हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू गेट कैर सी v इज इक्वल टू x. ये दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप एग्री करते हैं कि इसे एक कैरेक्टर पढ़ लिया जाएगा जो x में जाएगा, और v इक्वल टू x बोलने से x की वैल्यू v में चली आएगी. अगर मैं यहां पे कर दूं सी आउट तो वैल्यू छप जाएगी बाहर. ये तो हो गया एक कैरेक्टर के लिए. अब ये मुझे लगातार करते जाना है, कब तक, जब तक कैपिटल एक्स ना बदल. तो कैसे इटरेशन लिखूंगा मैं, बोलिए. व्हाइल क्या लिखूंगा, व्हाइल के अंदर ये चीज मुझे रिपीट करनी है, कब तक, जब तक एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स नहीं हो जाता. जब तक एक्स कैपिटल एक्स नहीं हो जाता मुझे ये करते जाना, ठीक है. लेकिन इसमें एक दिक्कत है, यहां पे जब आऊंगा मैं x की वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, x की कोई वैल्यू ही नहीं है. मान लीजिए x का जो लोकेशन असाइन हुआ था उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो इंसिडेंटली वही है जो कैपिटल x का ASCII कोड है. तो आप गए बारह के भाव, यहां आ जाएगा x इज इक्वल नॉट इक्वल टू x, नहीं निकल आएगा बाहर बिना कुछ पढ़े. तो इसके लिए कोई तो भी आर्टिफिशियल वैल्यू दे सकते हैं आप एक्स को, कि जो कैपिटल एक्स ना हो, कोई भी कैरेक्टर जो कैपिटल एक्स नहीं है. तो मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू से पी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पी लिखूं क्यू लिखूं कुछ भी लिखूं, इससे फायदा क्या होगा, अब मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी कैपिटल पी. अब जब यहां आएगा कंप्यूटर, व्हाइल एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स, नहीं है कैपिटल एक्स क्योंकि वो तो पी दिया था, तो चालू हो जाएगा इटरेशन. इसके अंदर आते से ही मैं एनीवे नई वैल्यू पढ़ रहा हूं, कैरेक्टर पढ़ रहा हूं कीबोर्ड से, और जो भी आएगा कैरेक्टर उसको मैं असाइन कर रहा हूं. तो अपने आप अगर ये एक्स हुआ तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं हुआ तो चलता जाएगा ये इटरेशन. यानी वो गाड़ी को कैसे धक्का मार के शुरू करते ना, तो ये इटरेशन एक गाड़ी है, इसको धक्का मारने की जरूरत, और ये धक्का शुरू का ये लग रहा. The issue was that I want to repeat this again and again and again till I type capital X. So I say while character is not equal to capital X, I keep doing this. So this is a perfectly valid statement. यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा तो ये पूरा iteration, this will be a proper iteration. Now the problem in this iteration is once I come inside, I will be getting a character from input, checking it. Again and again and again, printing its value, check. But for the first time when I come from the top, what is the value of x? We do not know what is the value. There is a location for x here. The value is question mark. 99% of the times,
this question mark will be some arbitrary value. So it will not be equal to capital X. Therefore, I will actually continue the iteration 99% of the time. But if we are unlucky, then it may so happen that at the beginning, this contains capital X code itself. If that happens, then this while will stop. We want to ensure that the while does not stop. That while will stop only when somebody types capital X, not otherwise. So what we are doing? We are giving an artificial initial value. This is an artificial initial value. What this ensures is that in the location for X, now I have a valid ASCII code, which is of character capital P. Since that is not capital X, when I come here, is X equal to capital X? No. So this condition is true. Therefore, I will come in, do this. Now here I am reading an actual character. By the way, there is a mistake here. This should be written as this. Opening bracket, closing bracket. A function without a parameter. Let us go to the next step. This is for getting one character. Suppose I want to get a name that you type. By the way, there is something which is important to understand what get char is. Normally, C in jab aap likhte hain, to koi bhi character type karenge, uske baad ek blank dena padega. Tabhi value complete hoti hai. Ye get char aisa nahi hai, blank blank nahi, kyunki blank bhi padega ye. Jab bhi aap keyboard pe kuch bhi type karenge, to immediately wo get char capture kar lega. It will capture it immediately, it will not wait. The moment you type, it will go in. You don't need to press enter, nothing. So the get char is a very powerful function. In fact, if you have kept an infinite iteration, you can actually terminate it by putting a get char somewhere at the end. And you check whether somebody has typed a character. The moment character is typed, you get out. So that is also a possibility. So get char is a very powerful function, both powerful function. Ab is function ka utilize, ये हमने छाप दिया सी आउट वी. अब इसको थोड़ा अलग ढंग से लेते, इसको बोलते हैं फॉर ईच कैरेक्टर रेड स्टोर इट्स एस्की कोड वैल्यू इन एन एरे. प्रिंट all values in the array one by one on a new line. Abhi complicate kar diya problem. Kya kar diya problem ko? Abhi tak to aap kya kar rahe the? Value padhi x mein, usko ASCII mein convert kiya, print kar diya. दूसरी वैल्यू पढ़ी, कन्वर्ट किया, प्रिंट कर दी. अब सवाल यह है कि आप पढ़ो लेकिन उसको भूलो मत, उसको एक एरे में स्टोर करके रखो. दूसरा कैरेक्टर पढ़ोगे, दूसरे एलिमेंट में स्टोर करो. तीसरा पढ़ोगे, तीसरे एलिमेंट में स्टोर करो. ऐसे स्टोर करते जाओ. जब मैं कैपिटल एक्स लिखूँ उस समय रुक जाओ और जितनी भी ASCII वैल्यूज आपने असेंबल करी है उनको प्रिंट करो. सो आई वॉन्ट टू स्टोर ASCII वैल्यूज not in a simple variable called v, but in an array. How will I solve this problem? Pehle wo declaration to main kar hi deta hoon. Char x int v. Lekin ab mujhe jo bhi value aayi hai wo ek array mein assemble karna, array declare karni padegi. To us array ko maan lijiye main likh deta hoon int S. अब इसका साइज कितना लिखूं? और कोई नंबर? जो भी यहां पे लिखूंगा इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? It means I will not be able to store more than so many values. If I say 10, I'll be able to store 10 values.
If I say 50, I'll be able to store 50. If I say 80, I'll be able to store 80. If I say 1000, I'll be able to say 1000. Since the problem does not say anything about it, I have to make some assumption. Problem mein kuch nahi likha hai, to mujhe assumption karna padega. Ye pehli soch hai aapki. Aapko sochna padega. Jo bhi soche aap. Ab is sawal ka uttar kaun sa sahi hai, aisa koi puche to kya batayenge aap? Har uttar sahi hai. आपने 5 चुना, किसी ने 10 चुना, किसी ने 50 चुना, किसी ने 100 चुना, किसी ने 1000 चुना. ठीक है. अब लॉजिक क्या लगाएंगे आप, जस्टिफाई कैसे करेंगे आपके उत्तर को, आपके अजम्पशन सही है गलत है कैसे बताएंगे? नॉर्मली कितने कैरेक्टर टाइप कर सकता है? तो आप ये सोचिए कि ये सवाल पूछने वाला आपके सामने बैठा, जैसे मैंने आपको सवाल पूछा कि सब कैरेक्टर वैल्यूज आप स्टोर करें, मैं टाइप करते जाऊंगा, तो आप मुझसे पूछेंगे क्या भैया तुम में हिम्मत है 1000 कैरेक्टर टाइप करने की? नहीं है तो 1000 तो नहीं करते, गरज नहीं. कितने करोगे? जनरली, अभी ये अलग अलग लोगों की सोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली व्हेन यू टाइप कैरेक्टर्स यू विल गेट टायर्ड आफ्टर टाइपिंग 5, 10, 50. यू विल टाइप इन वन लाइन, नॉट मोर देन वन लाइन. एक लाइन में कितने सिंबल होते हैं आपके मॉनिटर की? एक लाइन में कितने सिंबल होते हैं, गिने कभी? कितने कॉलम होते हैं जब आप एडिट करते हो? 80 कॉलम्स होते हैं मॉनिटर में, 80 कॉलम्स होते हैं. 80 कॉलम के बाद अगर आप टाइप करो तो आगे कुछ दिखने के लिए बचा नहीं हो, मॉनिटर के बाहर चला जाएगा कैरेक्टर. तो अंदरूनी कंप्यूटर जो है अपने आप उसको अगले लाइन पर ले आता है. अगर आप एंटर दबाते हैं तो अपने आप अगली लाइन शुरू हो जाती है. तो जनरली 50, 100, 80, 256 आर रीजनेबल नंबर्स फॉर सच प्रॉब्लम, बट इन रियल लाइफ यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट शुड बी दैट साइज. ओके, सो लेट अस से वी पुट एन आर्बिट्ररी साइज ऑफ 100. ये डिक्लेरेशन हो गए. अब हमें क्या करना है? यही काम करना है, लेकिन यहां पे प्रिंट नहीं करना है हमें. जैसे कैरेक्टर पढ़ लेंगे उसको एक एरे में डालना पड़ेगा. अब अरे के अलग अलग एलिमेंट में डालना चाहिए. पहला जो कैरेक्टर पढ़ेंगे इट शुड गो टू 0th एलिमेंट, नेक्स्ट कैरेक्टर शुड गो टू एलिमेंट 1, थर्ड कैरेक्टर गो टू एलिमेंट 2 एटसेट्रा. तो एलिमेंट को तो हम इंडेक्स करेंगे, तो इंडेक्स के लिए एक वेरिएबल लगा देते हैं यहाँ पे कॉमा दे के आए, यह इंडेक्स वेरिएबल हो गया. अब आए को पहले शुरू में क्या रखेंगे? 0. और जैसे जैसे कैरेक्टर पढ़ते जाएंगे वो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे होना चाहिए. तो कैसे लिखेंगे प्रोग्राम बताइए आप इसको. यही इटरेशन यूज करें. आर्टिफिशियल कैरेक्टर, इस बार क्वेश्चन मार्क चूज किया मैंने, बिकॉज आई हैव टू टाइप अप टू कैपिटल एक्स, सो नो प्रॉब्लम देयर. व्हाट शुड आई डू? आई शुड रीड अ कैरेक्टर. But now I have to convert it into an ASCII value and assign it to what? I have to assign it to SI. What is the value of I here? It is not automatically 0. So when I said this, I should also say I equal to 0. If I don't do that, this will be wrong. अच्छा, पहली वैल्यू पड़ी वो तो S1 S0 में चली गई. अब क्या मैं वापस चला जाऊं यहां से या ऐसे लिख दूं? अगर ऐसा करूंगा अगले टाइम में दूसरी वैल्यू पड़ेगा वो फिर S0 में ही जाएगी. I इज इक्वल टू 0 था, x की वैल्यू 0 में चली गई, I 1 हो गया, वापिस चले गए.
अभी एक्स पढ़ा है यहाँ पे हमने, क्या ये एक्स कैपिटल एक्स है? नहीं है, तो फिर से आऊंगा मैं, दूसरा कैरेक्टर पढ़ूंगा, दिस टाइम इट विल गो टू एस वन एंड वन विल बिकम टू, नेक्स्ट टाइम इट विल गो टू एस टू, टू विल बिकम थ्री एंड सो ऑन टिल सच टाइम दैट कैपिटल एक्स इज नॉट रीच्ड। अब मैं यहाँ आऊंगा तो मेरी जो एस एरे है, कैपिटल एस एरे, उसमें जितने भी कैरेक्टर आपने टाइप करे उतने रहेंगे, बराबर। बस इसमें एक दिक्कत है, ये वन सीरियस प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम। व्हाट इज दैट सीरियस प्रॉब्लम? अच्छा, टोटल कैरेक्टर्स कितने इनपुट होंगे जब आप बाहर आओगे? मान लीजिए हमने एक और डिक्लेयर किया इंट एन कैर, और आपको यहां पे एन कैर की वैल्यू निकालना है, विच इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रेड। कितने कैरेक्टर पढ़े आपने? जो भी आई की वैल्यू होगी उतने बड़े, आई इक्वल टू जीरो गया, वन गया, टू गया, थ्री गया, बाहर आएंगे तो आई इक्वल टू फोर होगा। आई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी ना जब आप बाहर आएंगे, क्योंकि आई इक्वल टू आई प्लस वन किया है आप। अब जीरो वन एंड टू में तो वैल्यू चली गई है, थ्री हो गया तो बाहर आ गए आप, तो वैल्यूज कितनी हुई अंदर? थ्री, बिकॉज जीरो वन और टू में है। तो जो भी आई की वैल्यू है वो एनकायर हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स डायरेक्टली, ठीक है। जब आप बाहर आएंगे तो जो भी वैल्यू आई की होगी उतने कैरेक्टर आपने पढ़े। अब बताइए प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसमें? आपने मुझे प्रोग्राम दिया और बोला कि आप करो टाइप, जब तक आप एक्स नहीं टाइप करते तब तक ये पढ़ता जाएगा और बाद में सब एस की वैल्यू करे। मैंने तीन चार वैल्यू टाइप करी, कैपिटल एक्स दबा दिया, तो चारों वैल्यू यहाँ पे कैप्चर हो गई। इसके बाद में आप यहाँ पे एक सिंपल फॉर लूप लगा सकते, फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन कैर, जे प्लस प्लस, सी आउट, एस जे एंड एल। देखिए क्या कर रहे हैं हम, एन कैर वैल्यूज पढ़ ली हमने एरे में। अब फॉर आई इक्वल टू जीरो टू एन कैर माइनस वन, हम हर एक एलिमेंट उसको बाहर छाप रहे हैं। सी आउट लेस देन लेस लेस, गलत हो गया। तो ये एस जीरो प्रिंट करेगा, फिर एस वन प्रिंट करेगा, एस टू प्रिंट करेगा, लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट होगी? एस एन कैर माइनस वन, सब वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ये तो पूरा प्रोग्राम हो गया। अब इसमें बताइए गड़बड़ कहाँ हो सकती है? मुझे तो ये प्रोग्राम सही नज़र आ रहा है, चलना चाहिए। किस हालत में ये प्रोग्राम ठीक नहीं चलेगा? अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दिस प्रोग्राम विल नॉट वर्क करेक्ट? ऑर्डिनरीली आई एम टेलिंग यू इट शुड वर्क। व्हाई? वी आर वेरी क्लियर, फर्स्ट कैरेक्टर वी आर आर्टिफिशियली असाइनिंग, आर्टिफिशियली दे दिया उसकी कोई वैल्यू किक स्टार्ट करने के लिए। पहले अंदर आए, क्या एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स है? नहीं है। हमने एक कैरेक्टर पढ़ लिया, उसको एस जीरो में डाल दिया, उसके एस की वैल्यू आई को बढ़ा दिया। अब अभी हम वापस जाएंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर एस वन में पढ़ा जाएगा, फिर एस टू में, फिर एस थ्री में, कहीं तो भी हम लोग कैपिटल एक्स टाइप करेंगे। जब कैपिटल एक्स टाइप करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, उस समय जो आई की वैल्यू है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमने कैप्चर कर ली और उसके बाद वो एरे प्रिंट कर दी। सही है, तो क्यों गड़बड़ हो सकता है? मान लीजिए पहला ही लेटर आपने कैपिटल एक्स टाइप किया तो क्या हो जाएगा? वो बाहर आ जाएगा। उस समय एन कैर की क्या वैल्यू रहेगी? जीरो रहेगी। फॉर जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एन कैर, एन कैर तो जीरो है, क्या जीरो लेस देन एन कैर है? नहीं है, तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जो सही है, जब आपने कैपिटल एक्स पहले दे दिया, आपने कुछ कैरेक्टर दिया ही नहीं उसको, तो कुछ नहीं प्रिंट किया उसने, लॉजिकल है बिहेवियर। मैं एक आपको केस बताता हूँ, आपने प्रोग्राम लिखा और मुझे दे दिया टेस्टिंग के लिए, दैट प्रोफेसर फाटक आई हैव रिटन ए प्रोग्राम, इट विल रीड ऑल कैरेक्टर्स टिल यू टाइप कैपिटल एक्स एंड देन इट विल प्रिंट ऑल ASCII वैल्यूज। नाउ आई एम ए स्लीपी पर्सन, मुझे नींद आ रही है, मैं टर्मिनल पे बैठा, डॉट स्लैश ए डॉट आउट बड़ी मुश्किल से दबाया, और उसके बाद में कोई एक कैरेक्टर दबाया पी, फिर दबाया क्यू, फिर दबाया टू, और मुझे नींद आ गई। तो मेरा हार्ट टू पे रह गया, तो टू 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 अंदर आते चले गए।
1002 चले गए अंदर, 1000। अब आपके एरे का क्या हो गया? एरे में कितने एलिमेंट है आपके? अगर 100 से ज्यादा एलिमेंट चले गए तो प्रोग्राम क्या करेगा? पहले तो आप एक कैरेक्टर पढ़ के उसको प्रिंट कर रहे थे, तो भले प्रोसेसर फाटक सो जाए टर्मिनल पे, 2-2 हजार बार आ गया तो 1000 वैल्यूज आएंगे उसके ASCII। लेकिन अब आप एरे में इकट्ठा कर रहे हैं, एरे का कुछ तो भी साइज है। वही वो घर वाला हिसाब, आपने 15 कमरे का घर बनाया है, आप उसमें 15 कैरेक्टर रख सकते हैं। अब फाटक जो है भेज रहा है कैरेक्टर एक के बाद एक, एक के बाद कहाँ रखोगे? घर भर जाएगा। तो क्या करना चाहिए हमें? एरे बढ़ा दें। भाई मैं सो रहा हूँ, आप कितने एरे बढ़ाओगे? मैं 2 घंटे सोया तो कम से कम 25-30 हजार कैरेक्टर तो ऐसे ही चले जाएंगे। अरे बढ़ा, अरे आप कितना भी बढ़ाएं, कोई तो भी आदमी गलती से या जानबूझ के उस अरे को क्रॉस कर सकता है। चूंकि प्रोग्राम आपने लिखा है, इसलिए आपकी जवाबदारी है कि अरे के बाउंड कभी क्रॉस ना हो, यह आपको प्रोग्राम में चेक करना चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे? व्हाइल एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एक्स एंड आई लेस देन 100। छोटा एक कैपिटल एक्स वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कितनी भी बार करो, अगर आई की वैल्यू 100 से कम है तो आप करते रहो, 100 से अगर ज्यादा हो गई सॉरी मैं आपको भगा दूंगा यहां से। फिर आप जितनी बार सो, 2 घंटे सो, लेकिन आप कैरेक्टर अंदर नहीं जाएगा क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं बाहर आ गया लूप के। अब उस समय जो भी वैल्यू आई की होगी 99 होगी, अगर मैं बाहर आ गया तो 0 to 99 तक छापेगा, वो उतनी लिमिट है उसकी, तो प्रोग्राम आपका सेफ हो गया। यू अंडरस्टैंड दिस? इफ यू आर डिक्लेयरिंग एन एरे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक दैट यू आर नॉट एक्सीडिंग द साइज ऑफ द एरे। नोबडी एल्स विल चेक दैट, यू हैव टू चेक। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं एक अलग ढंग से लिखता हूं और आप बताइए क्या वो ढंग सही है। यहां पे बाय द वे चूंकि मैंने जे यूज किया है, इसलिए यहां पे इंट जे भी डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर इंट जे नहीं बोला तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। Analyze this program. I am not using any kickstart statement. I am not assigning anything to x. In fact, I am not using x at all. I am reading a character. Instead of assigning it to x, usko kisi x character ko assign nahi kar raha hu. Directly usko assign kar raha hu SI++. SI++, S array jo hai, wo इंटीजर आ रहे हैं,
ये एक्सप्रेशन क्या होगा, कैरेक्टर वैल्यू होगी, कैरेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ आ गई जो ASCII कोड होगा उसका। अब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कैपिटल एक्स से, कैपिटल एक्स का जो ASCII कोड है उससे ये कंपेयर हो जाएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू। अगर ये नॉट इक्वल टू एक्स है तो ये कंडीशन सही है, उसके अलावा जो आई की वैल्यू है वो 100 से कम होनी चाहिए। अगर इतना सब है तो आप एग्जीक्यूट करो। क्या एग्जीक्यूट करो, आपने कैरेक्टर तो पढ़ लिया कंडीशन के नाम पे, अब आपको खाली उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है जो आपने एरे में रखी है। यहाँ पे आई माइनस वन क्यों लिखा और यहाँ पे आई प्लस प्लस क्यों लिखा? सो लेट मी रीराइट दिस स्टेटमेंट स्लाइटली डिफरेंटली।